नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। मैं हूं सुशील कुमार गुप्ता। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम टर्बो चार्जर और सुपर चार्जर, इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे, देखेंगे कि दोनों में क्या बेसिकली क्या डिफरेंस है, और टर्बो लैगिंग क्या चीज़ होता है, और इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, सो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, और उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में बहुत सी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम बात कर रहे हैं सबसे पहले टर्बो चार्जर की, तो फ्रेंड्स जो है टर्बो चार्जर के बारे में जो है हमने इस पे एक सेपरेटली वीडियो बनाया है काफ़ी डिटेल में, उस वीडियो को आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। बट फिर भी मैं जो है कुछ चीज़ें इसके बारे में बताते चलता हूँ। फ्रेंड्स, किसी भी डीजी सेट में हो या कोई ऑटोमोबाइल हो, तो हम उसमें जो है टर्बो चार्जर का जो हम इस्तेमाल करते हैं वो बेसिकली जो है इंजन की जो इफिशियंसी है उसको बढ़ाने के लिए करते हैं, और इसमें जो है हमारा जो इंजन होता है उससे जो एग्जॉस्ट गैसेस निकलती हैं, जो वेस्ट चली जाती हैं चिमनी के थ्रू, तो उस जो एग्जॉस्ट गैसें हैं वो उसमें काफ़ी प्रेशर होता है, वो एक तरह का जो है गैस है, और उसकी एनर्जी का इस्तेमाल करके जो है हम ये टर्बो चार्जर की जो है टर्बाइन को जो है घुमाते हैं, और उससे जो है कॉमन शाफ्ट से कनेक्टेड जो हमारा कंप्रेसर व्हील होता है वो एटमॉस्फेयर से जो है एयर सक करके और उसको प्रेशराइज करके इंजन के इनलेट में जो है पावर स्ट्रोक के टाइम पे उसको डिलीवर करता है, यानी उस एयर की जो मतलब डेंसिटी है उसको काफ़ी बढ़ा देता है, जिससे हमारा पावर स्ट्रोक काफ़ी बढ़ जाता है, और उसकी वजह से जो है काफ़ी अच्छा जो है फ्यूल का कम्बस्शन होता है और अच्छा जो है हमको आउटपुट मिलता है। तो बेसिकली टर्बो चार्जर का ये फंडा होता है कि वो जो है हमारा इंजन के एग्जॉस्ट प्रेशर से काम करती है। बट फ्रेंड्स, जो है अभी क्या है, हम बात कर रहे हैं कि जो है ये तो रहा टर्बो चार्जर के बारे में। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा मोटा मोटी जो है सुपर चार्जर के बारे में। तो सुपर चार्जर क्या है कि जैसे अभी हमने जो है टर्बो चार्जर के बारे में बताया कि इंजन के वेस्ट गैसेस यानी जो एग्जॉस्ट गैसेस होती हैं उसकी प्रेशर से जो है ये चलता है। बट हमारा जो फ्रेंड्स जो हमारा सुपर चार्जर है, आजकल जो है बहुत सारे जो है एयरक्राफ्ट्स में जो इस्तेमाल किए जाते हैं, ये बहुत महंगी महंगी अच्छी स्पोर्ट्स कारों में जो है सुपर चार्जर्स इस्तेमाल किए जाते हैं, तो ये क्या है, इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है। ये क्या है कि हमारा जो है जो ये होता है सुपर चार्जर होता है, ये हमारा किसी जो है वेस्ट गैसेस या एग्जॉस्ट गैसेस के प्रेशर से ना चल के, ये जो हमारी इंजन की जो क्रैंकशाफ्ट होती है, जैसे इंजन हमारा स्टार्ट होता है क्रैंकशाफ्ट घूमना स्टार्ट करती है, तो उस क्रैंकशाफ्ट से ही जो है इसको बेल्ट के थ्रू या हो सकता है गियर के थ्रू इसको सुपर चार्जर्स की शाफ्ट को कनेक्ट कर दिया जाता है। तो इससे क्या है कि जो है जैसे अभी आप सामने जो है एक इमेज मैंने जो है इसको ड्रॉ किया हुआ है, आप देख सकते हैं कि ये हमारा ये इंजन है, और इंजन की ये जो है ये क्रैंकशाफ्ट है, तो ये जब क्रैंकशाफ्ट जैसे ही जो है हमारा वो इंजन जो है स्टार्ट होता है, तो इसके जो है पुली के थ्रू जो है इसके सुपर चार्जर्स को कनेक्ट किया गया है, और इसमें मैंने एग्जाम्पल के लिए जो एक सेंट्रीफ्यूगल टाइप का जो है सुपर चार्जर जो है दिखाया हुआ है, और ये क्या है इस एटमॉस्फेयर एयर से लेकर के कंप्रेसराइज करके और इसको जो है इंजन के इनलेट में भेजता है। तो इसमें क्या है कि दोनों में जो डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस यही है कि ये जो है इंजन की क्रैंकशाफ्ट से जो है अटैच होता है इसका जो ड्रिवन जो है पुली जो है, और वहां पे क्या है वो एग्जॉस्ट प्रेशर से चलता है। तो ये जो है इसके जो है मतलब इंस्टॉलेशन में जो है ये चीजें हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंस है। बट अब हम बात करते हैं कि जो है दोनों में जो है मतलब कि क्या एडवांटेज है और क्या डिफरेंस है, हम इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहली बात फ्रेंड्स, हम ये कहेंगे कि जैसे हमारा टर्बो चार्जर है, तो टर्बो चार्जर के में बारे में क्या है कि टर्बो लैगिंग है, मैंने कभी जो है थंबनेल में मैंने एक वर्ड यूज किया कि टर्बो लैगिंग क्या चीज है। तो टर्बो लैगिंग के बारे में मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूँ दोनों के कंपैरिजन में कि क्या प्रॉब्लम आता है। टर्बो लैगिंग एक तरह का जो है वो प्रॉब्लम ही कहेंगे हम उसको, क्योंकि जैसे मान लीजिए कि टर्बो चार्जर के केस में जब आपका इंजन स्टार्ट होता है, और इंजन स्टार्ट होने के बाद आपका जो है जब तक कि प्रेशराइज जो है एग्जॉस्ट गैसेस नहीं निकलना शुरू हो जाती हैं, तब तक हमारा टर्बो चार्जर जो है वो एक्सिलरेट नहीं हो पाता है, वो उतने डेंसिटी का जो है प्रेशर जो है एयर प्रेशर जो है हमारे इंजन के इनलेट में नहीं भेज पाता है। यानी कि हमने जैसे ही इंजन स्टार्ट किया
तो तुरंत के तुरंत हमको टर्बो चार्जर से जो है रिस्पांस नहीं मिलता है। ये बीच में जो गैपिंग हो रही है हमको एक्सिलरेशन के मिलने में, बूस्टअप मिलने में जो है, इसकी जो 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 एक मतलब लैगिंग हो रही है, इसी को हम टर्बो लैग बोलते हैं। जो टाइम डिले हो रहा है इसको हम जो है टर्बो लैग इसी को बोलते हैं। बट क्या होता है फ्रेंड्स, सुपर चार्जर के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हम जैसे ही जो है, अगर मान लीजिए ऑटोमोबाइल के केस में, हम जैसे ही तुरंत जो है उसके पैडल को जो है अप्लाई करते हैं, तुरंत के तुरंत जो है हमारा जो है, यानी लो आरपीएम पे भी, हम यूं कह लें कि लो आरपीएम पे भी हमको जो है काफी अच्छा बूस्टअप मिलता है। तो ये जो है मतलब कि बेनिफिट है सुपर चार्जर का। लेकिन अभी क्या है कि अगर अच्छा अभी वहां पे क्या है कि हम अभी टर्बो चार्जर की बात करें, तो टर्बो चार्जर में क्या होता है, मान लीजिए कि वो जो टर्बो चार्जर चलता है तो उसे काम जो टर्बो चार्जर की टर्बाइन शाफ्ट है, उसके बाद उसका कंप्रेसर व्हील है, तो उसके बीच में जो बियरिंग असेंबली है, कॉमन शाफ्ट है, उसकी कूलिंग के लिए हम उसी के इंजन का जो ल्यूबाइल इस्तेमाल करते हैं, वो काफी हीट होता है। तो एक तरह से उसके ल्यूबाइल के इंजन की जो है लाइफ भी काफी कम हो जाती है, ठीक है, और टर्बो लैगिंग भी होती है। तो मतलब उस नजरिए से देखिए तो वहां पे तो उसका थोड़ा सा डिसएडवांटेज है। बट चूंकि अगर वो वेस्ट गैसेस से चल रहा है, एग्जॉस्ट प्रेशर से चल रहा है, तो वहां पे हम कहेंगे कि थोड़ा सा हमको उससे जो है हम सरप्लस में जाते हैं, थोड़ा सा बेनिफिट होता है। बट क्या है कि सुपर चार्जर के केस में हम कहें हमको अच्छा जो है मतलब एक्सिलरेशन मिले, अच्छा बूस्टअप मिले, तो सुपर चार्जर जो है सबसे बेस्ट है। तो अभी हम क्या है कि हम बात कर लेते हैं तो थोड़ा मोड़ा जो है कि सुपर चार्जर के बारे में, कि ये जो है इसके बेनिफिट्स इससे क्या क्या होते हैं। तो पहली बेनिफिट्स तो इसमें फ्रेंड्स ये है कि इसमें जो है कोई लैगिंग नहीं होती है। जैसे ही हम अप्लाई करते हैं तुरंत के तुरंत हमको जो है इसमें रिस्पॉन्स मिलता है। और ये क्या है, इसको हम लो आरपीएम पे भी इसमें अच्छा खासा बूस्टअप मिलता है। इसका प्राइस भी उसकी रेफरेंस में जो काफी कम होता है। और उसके बाद में क्या है कि जो हमारी एग्जॉस्ट गैसेस हैं उसमें स्मोक परसेंटेज काफी कम कर देता है। कारण क्या है कि उसमें हाई डेंसिटी का जो एयर, अच्छी क्वालिटी की एयर जाती है, तो कंबस्टन फ्यूल का बहुत अच्छा हो जाता है, तो जो है उसको स्मोक को भी रिड्यूस करता है। और उसके बाद में बात करें तो व्हीकल में बहुत ही जल्दी जो इसमें हमको बूस्टअप मिलता है, एक्सिलरेशन मिलता है, और गाड़ी बहुत तेजी से आपको जो है पावर मतलब देती है, और तेजी से वो भागना शुरू कर देती है। और दूसरी सबसे चीज, चूंकि एक सेपरेट असेंबली है, तो इसको जो है इंस्टॉल करना, रिप्लेस करना, इसको जो है मेंटेनेंस करना भी काफी इजी होता है हमारा टर्बो चार्जर के रेफरेंस में। तो ये कुछ चीजें हैं। और कुछ चीजें जैसे यहाँ पे और भी हैं, जैसे हमारा क्या है कि सुपर चार्जर जो है बेसिकली जो है तीन तरह के होते हैं हमारे। एक होता है सेंट्रीफ्यूगल टाइप के सुपर चार्जर, दूसरा होता है रूट्स टाइप का सुपर चार्जर, और तीसरा होता है वेन टाइप का सुपर चार्जर। तो अभी एक देखिए, एक मैंने एक इमेज इसमें जो है आप देख रहे हैं, एक सेंट्रीफ्यूगल टाइप का जो है सुपर चार्जर है, और ठीक है। और उसके बाद में जो है हमारा जो ये देखिए, ये भी सेंट्रीफ्यूगल टाइप का ही सुपर चार्जर है, ठीक है। और उसके बाद में ये देखिए, ये देख रहे हैं हमारा, ये जो है ये रूट्स टाइप या यूं कहें ट्विन स्क्रू टाइप का जो है सुपर चार्जर है। इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर तो हमारे पास में इसमें नहीं, हम इसमें दिखा पा रहे हैं, हमारे पास में वैसा इमेज अवेलेबल नहीं है। अच्छा, और दूसरी चीज जो है, हम अभी कुछ एक चीजें बड़ी जो है नोट मतलब ध्यान रखने वाली चीजें हैं कि सेंट्रीफ्यूगल चार्जर जो होता है हमारा, ये क्या है हाई आरपीएम के लिए जो है बहुत ज्यादा इफिशियंट होता है। और हमारा जो रूट्स और टाइप और या फिर ट्विन टाइप के जो सुपर चार्जर्स हैं, ये हमारे लो आरपीएम के लिए काफी जो है इफिशियंट होते हैं। तो आपने ये देखा कि जो है मोटा मोटी जो है कि ये हमारे जो सुपर चार्जर और जो है टर्बो चार्जर में बेसिकली अंतर क्या होता है, और दोनों अपनी अपनी जगह पे जरूरत के हिसाब से ठीक हैं। जैसे हमको जहाँ जरूरत होता है हम वैसे ही वहाँ पे चीजों को उस तरह का सुपर चार्जर या टर्बो चार्जर इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो में आपको काफी चीजें जानने को मिली होंगी और आपको कुछ न कुछ जो है सीखने को मिला होगा फ्रेंड्स। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ, ताकि वो भी जो है इसका बेनिफिट्स ले सकें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और इस तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।